नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की दो और प्रमुख योजनाओं के बारे में। इससे पहले मैंने आपको पहले वीडियो में दो योजना दिया था, फिर दो योजना आपको बताया और आज फिर हम लोग दो योजना करेंगे। तो टोटल छह योजना जो है 2019-20-18-19 का हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो योजना है वो है सहिया योजना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सहिया आरोग्य योजना पढ़ेंगे और ये काफी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मतलब बहुत लोगों को पता नहीं सहिया होता क्या है। ये अन्य राज्यों में भी ये योजना लागू है। तो देखिए आज बताता हूँ कि ये सहिया योजना आखिर है क्या। झारखंड सरकार राज्य में जल्द ही सहिया आरोग्य योजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हाल ही में सरकारी योजना की घोषणा की। सीएम का कहना है कि आरोग्य कुंजी सभी गांवों में उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि प्रदेश के सभी नागरिकों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन अब मैं बताता हूँ पहले आपको कि सहिया आरोग्य योजना एक्चुअली है क्या। देखो जब क्या होता है ना, ग्रामीण परिवेश जहाँ पे होता है, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं सही ढंग से नहीं मिल पाती है, हॉस्पिटल्स काफी दूर होते हैं, गाँवों में अक्सर लोगों को चार चार 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है या फिर और भी दूरी जाना पड़ता है, या फिर सड़क सही नहीं होती है, जाने के लिए देर हो सकती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए ग्रामीण परिवेश वाले जो ग्रामीण में निवास करते हैं उनको तुरंत तत्कालिक रूप से उसको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की यह स्कीम है। उनको स्वास्थ्य उपलब्ध कराने का यह स्कीम है सहिया आरोग्य योजना। इस स्कीम में क्या होता है कि सहिया, पहले आप समझो सहिया क्या होता है। सहिया एक महिला कार्यकर्ता होती है जो आठवीं, जब महिला कार्यकर्ता होती है, इस सहिया का कार्य ये होता है कि गांव में जो रहने वाले हैं महिलाएं हैं या महिलाओं को तुरंत इलाज पहुंचाना। इलाज मतलब ये नहीं कि पूरा हाई फाई इलाज, मतलब एक बेसिक जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि प्रसव के दौरान उसको सहायता प्रदान करना, उसको जानकारी देना, छोटे मोटे बीमारियों से अवगत कराना, मेडिकल किट सहिया को प्रोवाइड किया जाता है। उस मेडिकल और उस सहिया को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप छोटे मोटे बीमारियों से कैसे निपटें, अवेयरनेस कैसे फैलाएं लोगों के बीच में। तो सहिया बनने के लिए आठवीं पास होना जरूरी है और जिस गांव की सहिया बन रहे हैं आप, उस गांव के आप निवासी होना आवश्यक है। ये सहिया, अगर आपके गांव में कोई आठवीं पास नहीं है तो उस कंडीशन में आठवीं पास से नीचे वाली को सहिया बनाया जा सकता है। तो ये सहिया को मेडिकल किट दिया जाता है। इसके अलावा इस सहिया आरोग्य कुंजी स्कीम के तहत बाइक एम्बुलेंस भी प्रोवाइड किया गया, बाइक एम्बुलेंस, जिससे कि बाइक के थ्रू जा करके उनको इलाज किया जाए ग्रामीण परिवेश में। तो ये सहिया आरोग्य कुंजी योजना है। और देखते हैं क्या क्या है। झारखंड सरकार का कहना है कि सहिया आरोग्य कुंजी योजना 2019 से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत सुधार आएगा। ऑब्वियसली अगर जहां जिसको इलाज नहीं मिलता था, अगर उसको अवेयरनेस है, इलाज मिलने लगे तो सुधार तो होगा। यह देश भर में अपनी तरह की एक अनोखी पहल है जिससे सभी जिलों के गरीब और वंचितों को लाभ मिलेगा। जनवरी 2019 को चतरा में आयोजित, याद रखिएगा चतरा में आयोजित, जवाहरलाल स्टेडियम है वहां पे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वहां पे आयोजित मेडिकल किट और मोबाइल एम्बुलेंस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा यहां पे किया गया और घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने 19 जनवरी 2019 को आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सहिया आरोग्य कुंजी योजना राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को ऊपरी स्तर पर ले जाने का काम करेगी। बहुत से ऐसे गरीब हैं जिन्हें हेल्थ स्कीम बेनिफिट नहीं मिल रहा है ऑब्वियसली, इसलिए यह योजना निचले से निचले गरीब लोगों तक पहुंचेगी।
यह एक नई योजना है जो लोगों को गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम करेगी और लोगों को बेहतर इलाज कराने के लिए शहरों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। तो ये सहिया आरोग्य योजना है और इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा आपको। ये आप देखो, ये इसी रघुवर दास जी है जो मोटर बाइक एम्बुलेंस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये मोटर बाइक एम्बुलेंस चतरा में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, मोटर बाइक एम्बुलेंस, ठीक है। और ये देखिए किट, ये किट है, ये किट प्रोवाइड किया गया, ये किट प्रोवाइड किया जा रहा है। आरोग्य कुंजी यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, आरोग्य कुंजी जिला प्रशासन चतरा, चतरा में ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था जहाँ पे ये इस तरह की किट है। और इस किट में बहुत सारी जैसे मरहम पट्टी, दवा, एंटीसेप्टिक, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजों हैं। और ये महिला सहिया कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य चतरा, स्वास्थ्य लातेहार, स्वास्थ्य चतरा, इस तरह के टोपी पहने। देखिए एक और, ये जिला प्रशासन चतरा के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। झारखंड के हर जिले में लागू होगी सहिया आरोग्य कुंजी। देखिए हर गांव में पहुंचेगी आरोग्य कुंजी, बजट में होगा प्रावधान, सीएम ने कहा। मेडिकल किट सबको दिया जाएगा, 22 जनवरी को पेश होने वाला है, बजट में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बाइक एम्बुलेंस की प्रशंसा की, बाइक एम्बुलेंस का प्रयोग यदि सही रहा तो उस सरकार जो है उस पर विचार करते हुए पूरे प्रदेश में लागू करेगी, ठीक है। देखिए चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ था, ये मैंने बताया आपको, बिल्कुल नई तरह की योजना है। आरोग्य कुंजी की योजना बनाने वाले चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह और उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह की प्रशंसा की सीएम ने। शनिवार को आरोग्य कुंजी, बाइक एम्बुलेंस और मेडिकल क्यूब योजना के शुभारंभ के लिए यहां पे आए हुए थे। समारोह में चतरा और लातेहार की 5-5 सहिया को आरोग्य कुंजी सौंपी गई है। ये जो समारोह हुआ था उसमें चतरा और लातेहार की 5-5 सहिया को ये कुंजी सौंपी गई है। उसके बाद स्थानीय पुलिस अधीक्षक अखिलेश बी वारीवार को बाइक एम्बुलेंस की चाबी दी गई। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये मुख्यमंत्री ने संबोधन किया, ठीक है। जैसे देखिए क्या, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को अब मामूली बीमारियों के लिए, मामूली जो बीमारी होती है के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि गांव में उनका उपचार जो है मेडिकल किट के जरिए सहिया भी कर सकेगी, सहिया को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये चीजें हैं सहिया के बारे में। 400 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया गया है। 68 लाख परिवारों में से 57 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह चीजें हैं ये। अच्छा, ये आयुष्मान भारत के बारे में बात की जा रही थी, 400 करोड़ या आयुष्मान भारत योजना का। तो ये सहिया आरोग्य योजना है, सहिया आरोग्य योजना। होपफुली आपको पूरे बढ़िया से समझ में आ गया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए अगला योजना की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगली योजना है झारखंड वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन योजना, ठीक है। देखो तो ये योजना अभी ऑलरेडी लागू है। झारखंड सरकार वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन जो होता है, उसके बाद विधवा पेंशन होता है, विडो पेंशन, और विकलांग है जो दिव्यांग जन पेंशन है। इस योजना के तहत जो सहायता राशि 600 रुपया दी जाती थी प्रतिमाह, उसको बढ़ाकर 1000 रुपया प्रतिमाह करने जा रही है। राज्य सरकार चाहती है कि झारखंड की पूरी 3.25 करोड़ की जो आबादी है वो पैसे की कमी से जूझना ना पड़े और उनके जीवन को बदला जा सके। तो इसमें यही था कि पहले जो 600 रुपया दिया जाता था उस प्रतिमाह, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, उसके जगह पे इसको 1000 बढ़ाने का बात की गई है, 1000 रुपया बढ़ाने की बात की गई है। तो इससे ऑब्वियसली सभी को लाभ होगा।
और भी क्या क्या लिखा वो पढ़ लेते हैं। झारखंड सरकार का कहना है कि राज्य भी किसी भी राज्य का पूरा विकास वहां के लोगों का लोगों पर निर्भर करता है। राज्य सरकार चाहती है बहुत सी परेशानियां जैसे गरीबी, शिक्षा का अभाव, इनको हटाना है तो सरकार की चलाई हुई नीतियों को, ये सब कहानी है, इसको ये ज्यादा जरूरत नहीं है। मेन जो चीज थी वो 600 रुपया से 1000 रुपया। और ये इम्पोर्टेंट है कि जो बढ़ी हुई पेंशन राशि है सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सरकार के इस निर्णय से बुजुर्ग, वृद्ध लोगों और महिलाओं, विधवा महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को काफी हद तक लाभ पहुंचेगा, क्योंकि उनको किसी तरह से बिचौलिए के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो मध्यस्थता होते हैं मीडिएटर, उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। जो उनको खिलाना पड़ता था वो नहीं खिलाना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। तो दो योजनाओं के बारे में हमने देखा, झारखंड वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन योजना और मुख्यमंत्री सहिया आरोग्य योजना। तो ये वीडियो ही समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू।